साड़ी एक आदत बन गई असी दुनियादारा वास्ते कुछ कर लीए वेखो गुंबद के खजरा के साथ की हो एक बंदा 4 लाख 3 लाख ला के गया फैमलिया के नाल गया उत्थे जाके भी बंदा कोई नवाशी के हक च बोले या कोई इमरान खान के हक च बोले मैं कोई दोनों का हामी बन के नहीं बैठा मैं मिम्बरे रसूल से बैठा लेकिन एक की मुखालफत दूसरे के हक च उच्ची बोलना जिसे जबरील साहब ही ना लगे उत्थे खलो के उच्ची गल करना मैं तकरीबन 1992-93 तो लैके बस इस साल मैं दो एक साल तक कोरोना की मजबूरी बन गई इस साल मेरी पासपोर्ट की मजबूरी बन गई मेरा यूके एम्बेसी पासपोर्ट चला गया वापस ना आया अजे तक तकरीबन 2.5 महीने हो गए लेकिन ये बावजूद मैं ना जा सकया लेकिन मैं देखिया ऐसे ऐसे बुजुर्ग उत्थे ने जो 40 साल तो उत्थे बैठे ने लेकिन वह गुंबद के खजरा के सामने बैठे ने अंदर जा नहीं सके मैं पूछा दूर अंदर क्यों नहीं जाते उन्होंने कहा सा असी इस काबल ही नहीं कि अंदर जाइए दूर की वाकत असी इतों तक बैठे बड़े बड़े लोग वेखे ने लेकिन आ जी कमीनगी हूँ हुई है तौबा 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 तो लोग अजे तक उन्होंने हक च वोट दी जाते भी इन्होंने बड़ा चंगा किया मैंने याद है बस इस गल में सैकड़ की गल करके फिर मैं अपने घर पर ला जावगा मैंने याद है मैं जो पहली बार गया मदीना मुनवरा तो मैंने दोस्तों दसिया भी इतने छोटे पाए लग रहे थे फैसलाबाद के किसान की आ रहे मियाँ अजीब साहब लाने 92 चैनल के मालक ने तो मैंने किसी ने दसा भी वो इतने छोटे पाए तक मैं कह यार मैंने भी लै चले मैं जो उत्थे गया मैं देखा ऐसा माहौल भी हर बंदे देगची को मंग रहा तो देगची च दे रहे कोई प्याली च मंग रहा तो प्याली च दे रहे रोटियां भी दे रहे सारण ही दे रहे मेरा दिल किया कि मैं उस बंदे मिला दिल बंदे मिला कि मैं भी फैसलाबाद से खरीद का रहना वेखा सी बंदा कौन है मैंने मैं बंदे पूछा मैं यार मैं मिलना चाहता वो मैंने लै गया हूँ वह बंदा खुद सारण रुपया पावे तो मैं कहीं मैं मियाँ हनीफ साहब मिलना उस बंदे ने पता की गल की उन्हें कहा तेरा ना तो बड़ा सुनया कि तू फसा दे दी पर इतने आके भी मियाँ हनीफ को लभना तेन हजूर नजर नहीं लिया गल ए कि फिर मैंने अपनी गलती मननी पड़ी असल के साथ कोई वतीरा ऐसा बन गया है सदा सिलसिला ऐसा बन गया है कि असं नमूदो को मैच ज्यादा करने जो बंदा 5-6 लाख रुपया ला के मक्का पाक मदीना पाक जाता है जब तक सैल्फी ना बनाए उन्होंने सुकून नहीं होता अगे वडेरे कहते सन साड़िया मावं दादियाँ कहदियां सर पुत्र मक्का पाक जाओ खाना काबा के अखा बंद रखा जाए तो नाल दे अज्जू कह दिया जी जो काबा नजर आए जब मैंने दस दे ठीक है जनाब फिर अखा बंद करके जो अचानक खोलोगे तो काबा वेखोगे जो जी दुआ मंगोगे वो थोड़ी कबूल हो जाएगी हूँ तो बदले दुआव मंगते ही इंज करके पहुँचते हैं काबा वेखते हैं बाद पहलो कहते लै बई मैं पहुँच गया जी पहली सैल्फी आ गई दूजी आ गई तीजी आ गई जनाजा पढ़न चले जाओ तौबा 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 जिस बंद ने जनाजा नहीं पढ़ना होंगे उस घर ने तो सामने खड़ोना जी टूटियाँ तो 3 बंदे लेंगे दसना कि मैं आया ठीक है जनाब जिस बंद ने 5 किलो का थैला किसी यतीम मस्कीन देना होंगे आटे का वो 3 बारी वह तस्वीर बना के टैलीविजन से चला छद मेहरबानी फरमाने मैं थोड़ी गल नहीं कर रहा मैं समाज का मैं नहीं हिस्सा मेरा भी एक हो सकता मेरा जमीन भी इंजा हो लेकिन अल्लाह पाक की बार गई दुआ अलामा इकबाल का शेर है कि अमल कम कम है तकरीरें बहुत है तेरे पर अपने की तशीरें बहुत है अगर मेरी आवाज़ तुहाड़े तक आ रही है तो मेहरबानी फरमाओ लख साहब के कोलों बड़ा सोहना इन्होंने इंतजाम किया लेकिन इन्होंने गर्मी की शिद्दत तोड़ने वास्ते पखा शखा नहीं लाया उस नहीं चला दी है ठीक है हम जो उन्हें हवा चला दी है तो तुम थोड़े होर करीब हो जाओ थोड़ी मेहरबानी मैं नाराज भी नहीं होना थोड़े जे करीब हो जाओ खाली जगह मेहरबानी करनी है जरूरी नहीं कि असी को हम 10,000 का मजमा कट्ठा होएगा तो जनाब नारे लगे मैं अपना शुरू होगी मैं बेतवज लगना नारा है नारा गौसिया ताजदारे खत्मे नबूवत ते बोलना है जितने जितने तक तोड़ा बबूद हो जाता ही मेरा बबूद है फिर बानी फरमाना देखो नेड़ी शेड़ी चल गई थी जितने तुम हो गए उसे मैं होना ये बारिश हो गई तो फिर अल्लाह का शुक्र है कराने में मत इन्नी कड़ी गल है हूँ दे अल्लाह तैयार करे मंग मंग तरस रहे हैं आने दे अल्लाह देखो मेहरबानी फरमाओ ज़्यादा टेंशन से सानू होनी चाहिए जितने की दिहाड़ी मार लेनी अगर कई गल कर रही है कि मैं मैं आदत नजर आया नहीं पर मेरी मजबूरी बन गई परेशानी की तो सारी जिन्हों
ਜਿਹਨੇ 8000 ਦਾ ਤੇਲ ਪਾਇਆ ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਾਂਗਾ ਰੁਪਈਏ ਨੂੰ ਵੀ ਛੱਡਣਗੇ ਔਰ ਜੇ 20 ਚੱਲ ਗਏ ਪੈਰ ਬਾਰਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਬਾਈ ਕੋਈ ਤੇਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਗਈ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਬਾਕੀ ਨਾ ਖਾਣਾ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆਦਾਰ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜਨਾਬ ਲੇਕਿਨ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਕਈ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਯਾਰ ਦੁਆ ਕਰੋ ਅੱਲਾ ਬਰਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਓ ਸਾਡੇ ਵਜ਼ੀਰਿਸਤਾਨ ਦਾ ਇਲਾਕਾ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਥੇ ਪਰਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਬਗੈਰ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਤਰਸ ਤਰਸ ਕੇ ਮਰ ਰਹੇ ਨੇ ਦੁਆ ਫਰਮਾਓ ਅੱਲਾ ਪਤਨੀ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਦੀ ਖੈਰ ਫਰਮਾਈ ਅੱਲਾ ਬਰਾ ਨੇ ਰਹਿਮਤ ਅਤਾ ਫਰਮਾਈ ਲੱਗੀ ਅਰਦਾਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਿਲਾਵਤ ਕਲਾਮ ਪਾਕ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਨਹੀਂ ਸੱਜਾ ਹੱਥ ਬੁਲੰਦ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਰੇ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਭਾਈ ਕਮਾਲ ਹੈ ਨਾਰੇ ਤਕਬੀਰ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਰਿਸਾਲਤ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਨਾਰੇ ਹੈਦਰੀ ਤਾਜਦਾਰੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਤਾਜਦਾਰੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹਮਦੇ ਬਾਰੀ ਨਾਰਾ ਨਾਲ ਆਗਾਜ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦਾ ਵ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਅੱਲਾਹੁਮ ਲਬੈਕ ਲਬੈਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਲਬੈਕ ਇਨਲ ਹਮਦਾ ਵ ਨਿਅਮਤ ਲਕ ਵਲ ਮੁਲਕ ਲਾ ਸ਼ਰੀਕ ਲਕ ਤੀਸਰੀ ਵਾਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਸਦੀਅਤ ਨਾਲ ਲਾਖੇ ਅੱਲਾ ਕਰੇ ਅਗਲਾ ਸਾਲ ਆਏ ਇਹ ਦਿਹਾੜਾ ਮੈਨੂੰ ਮੱਕੇ ਨਸੀਬ ਹੋ ਜਾਏ ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਕਰਾਂ لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ کر دیا بابے بلھے شاہ کنسوری نے آ فرماتے ہیں جے میں تینوں اندر ڈھونڈا سبحان اللہ اسے ٹھیک رکھ رہا تھوڑی مہربانی بہت شکریہ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مکیت جانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا بڑے اندر کون سبحان اللہ جے میں تینوں اندر ڈھونڈا پھر مکیت جانا جے میں تینوں باہر ڈھونڈا میرے اندر کون سمانا میں وچ توں ہے ہر جا توں ہے ایتھے بُلا کون ہے سبحان اللہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک ترجمہ باب بُلے شاہ قصوری دا فرماندے نے ڈوبتے سورج چڑھن والا بجھتے دیوے بالن والا جنہ دا نہیں جگتے کوئی انہاں نوں وی بالن والا جنہ دا نہیں جگتے کوئی انہاں نوں وی بالن والا لوکی کہندے دا نکل دی میں تا پتھر گل دے ویکھے تیری رحمت نال سونیا ربا پانی تے بدرے چل دے گے سبحان اللہ کہہ دے یار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والمل لا شریک لک فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء آپ کا قلم اٹھا آپ فرما دے نے اٹھ فرید ستیا تو ٹریا ٹریا جا جے کوئی مل جائے بخشیا دے تو بھی بخشیا جا جے کوئی مل جائے بخشیا تے تو بھی بخشیا جا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والمل لا شریک لک پھر بولے فرید الدین مسعود گنج شکر زہد الانبیاء بابا فرید بابا فرید بابا فرید نظام دا پیر بابا فرید ہے صابر دا پیر بابا فرید آپ دا کلم اٹھیا آپ فرماتے ہیں تو تھوڑی دا سُتیا تو چاڑو دے مسیح تو سُتا رب جاگدا تریڑا دے دا لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و نعمت لک والملک لا شریک لک جڑیالا شیر خان کا بابا وارث شاہ بولا آ فرماتے ہیں رے رات جاگن ڈاڈا اٹھا اک جاگدا یاد جا راتی اک جاگدا چور سن تے تجا جاگدا پہلے دار ہوتی اک جاگدا عشق دی مرد والا تجا جاگدا شخص بیمار ہوتی وارث شاہ میاں سارے سو جا دے اک جاگدا پروردگار لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک دربار تیرا نام مولا حمد ہے اللہ محدود ہے
इसकी हद बंदी कोई नहीं, वो जात लामहदूद है, वो गिनती में आ नहीं सकती। मुझे एक जुमला याद आ गया, लबैक अल्लाहुम्मा लबैक, लबैक ला शरीक लक लबैक, इन्नल हमद व निअमत लक वल मुल्क ला शरीक लक। एक देहाती, एक पेंडू, एक विलेजर, एक बस्ती च रहने वाला बंदा अल्लाह ने नसीब च ईमान और कलमा लिख लिया, कलमा पढ़ बैठा, नबी पाक की ज़ियारत नहीं की थी, खाना काबा का तवाफ शुरू हुए, कोई तस्बीह नहीं होती, कोई जुमला नहीं होता, एको लफ्ज़ होता है या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम या करीम, करता करता तवाफ काबा पे करता है, अगे अगे एवे ते पीछे पीछे हुसैन दा नारा है। नबी पाक ने शादी तक की, हजूर ने अपनी तस्वीर छड़ी, हजूर ने भी कह दिया या करीम या करीम या करीम। सोने बड़े जे तुसी सोने ना होंदे पर तुसी सोने बड़े हो। मेरा भी पैगाम दे दिया, जे अल्लाह ने साडा हिसाब लिया मैं भी अल्लाह का हिसाब ला। इम्तिहान लिया जाता है और जो बंदे डट जाते हैं वो बहुत कुछ कर जाते हैं। अल्लाह ताला आपके ज़मीर को, आपकी मोहब्बत को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, पूरे गांव को मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, फिर खसूस ये लक फैमिली जिन्होंने इस महफिल को सजाया। अल्लाह ने ये लक कैसी लक बनाई।